वो हर बच्चा जो हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव से आंखों में बड़े सपने लिए चल रहा है, नीट टॉपर की ये सच्ची कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कश्मीर के एक बहुत ही गरीब परिवार में जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तीसरी कक्षा में आते ही सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये अपने पिता और भाई की तरह मजदूरी करने लगा, जिसकी उसे सिर्फ 500 रुपए मिलते। उसके पिता भले ही अनपढ़ थे, लेकिन अपने बेटे से बोला, बेटा तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। ये सुनकर लड़के की आंखों में उम्मीद जागी और मजदूरी के बाद शाम के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और सुबह जल्दी उठ के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक सिर्फ 3 घंटा सोकर वो दिन रात पढ़ाई करता। और ये संघर्ष पूरे 10 साल चला। क्लास 11th में कोचिंग फीस के लिए पूरे 1.5 महीना दिन रात मजदूरी की और 15,000 इकट्ठा करके जब कोचिंग वालों को दिए, हमारे फीस 30,000 है बोलकर उसे निकाल दिया। तो बिना किसी कोचिंग के उसने 12th में 80% स्कोर किया और आखिर में नीट की तैयारी करने एक महीना कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर उसने 7,000 रुपए का फोन खरीदा और PW का नीट का कोर्स लेके नीट क्लियर करके अपने पापा का सपना पूरा किया। सलाम है ऐसे योद्धा को। अगर तुम इसे जानते हो तो नाम कमेंट कर दो।